गिफ्ट के लिए चॉकलेट। डॉल्फिन बाबू, ओ डॉल्फिन बाबू, यहाँ हो रहा है हमारा बारबेक्यू। आज कंपटीशन ये शेफ ने बनाया है, ये मैंने बनाया है और ये भी मैंने बनाया है। ये कहाँ की आई हमारी? अच्छे अच्छे अच्छा अच्छी ये हमारी कहाँ की आई? बहुत टेस्टी भाई, कैसा लगा आपको? जनता जवाब चाहती है। अच्छा कौन सा हुआ? पूरा घर से पूछना है, पूरा पड़ेगा। ठीक है, कौन सा? दो डेढ़ बनो तो तब तक मान जाओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुंजे कुंजे रेड वाला। थैंक यू काका काकी। सो काफी टाइम बाद बर्थडे केक, आई थिंक बहुत सालों आखिरी बार कब काटा था वो याद है। 14-15 किलो के गए थे, कितने बड़े बन अच्छे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे। घर आने के बाद तो ऐसे चल रहे, इधर उधर का टाइम पास हो रहा है। और ये देखो पीछे कौन है, मेरे ब्लॉग में इसको तो आना ही है ना। मेरे बर्थडे में मैं मस्कट में था, अब ये मेरे लिए गिफ्ट लाई है। अभी ये देखो, और गिफ्ट के लिए चॉकलेट। मैं सबको चॉकलेट देता हूँ, ये मुझे चॉकलेट दे रही है। तो क्या, चॉकलेट इज गुड। थैंक यू। तो अभी चॉकलेट लाए, इसको रखेंगे फ्रिज में। और इधर मेरा भाई भी है, आया हुआ है, मिस्टर मोटा शेफ। और आज है हमारे घर पे छोटा सा पार्टी, है ना, जो हम लोग बस एक दो भाई बहन लोग मिलकर करना चाहते थे। एक दीदी आने वाली थी बट वो आएगी नहीं, क्योंकि उसका जॉब है, पता नहीं, उसका कंफर्म नहीं है। और मेरी चाची लोग आ रही है ना, चाची लोग के साथ में सब आज कबाब करेंगे। आज कबाब के लिए भी रेडी हो रहा है ना, तो मैं आपको दिखाते रहूँगा प्रिपरेशन भी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलते रहेंगे। ये हमने डॉल्फिन लाए थे, डॉल्फिन बाबू। हाँ सो था। चीज़। तो अभी कर रहे हैं इसके साथ टाइम पास। प्रिपरेशन हमारा पूरा हो गया है, बस अब सिर्फ सिगड़ी जलाना बाकी है। हमारा कबाब का प्रिपरेशन चालू हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कबाब का प्रिपरेशन। ये देखो, यहाँ हो रहा है हमारा बारबेक्यू। ये हमारा शेफ, इसके साथ कंपटीशन है हमारा। आज कंपटीशन ये शेफ ने बनाया है, ये मैंने बनाया है और ये भी मैंने बनाया है। तो कंपटीशन है आज डिग्री वाला शेफ और हम फुटपाथ वाले शेफ के साथ। तेल हाल नहीं करते ये कहाँ की आई हमारी? अच्छे अच्छे अच्छा अच्छी तो ये हमारी कहाँ की आई? तो अभी जल्दी चलते हैं, प्रिपरेशन पूरा करते हैं उसको। दादा हाय 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 हाय। तो गाइस यहाँ पे तंदूर बन रहा है। तंदूर नहीं बन रहा है, कबाब बन रहा है। सॉरी, कबाब बन रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप के कबाब्स है। ये कौन सा कबाब है? व्हाइट वाला मलाई। दिस इज मलाई कबाब एंड वो वाला बस शेफ ला इंट्रोड्यूस कर। ओके, शेफ। सो दिस इज शेफ राजीव। अच्छा यार। और दिस इज शेफ विवल दादा। नाम तो सुना ही होगा, विवल पान मसाला। सॉरी गाइस, ये कट कर देना, कट बनाओ देगा, कंटिन्यू कर। और ये कौन सा कबाब है? व्हाट इज दिस? ये वाला शेफ नाम बताओ, शेफ नाम बताइए। ये वाला अचारी कबाब। दिस इज अचारी कबाब। और ये वाला तंदूरी कबाब। दिस इज तंदूरी कबाब।
मलाई कबाब एंड अचारी कबाब, ठीक है। तो ये तीन टा, ठीक है, मलाई कबाब, तंदूरी कबाब और अचारी कबाब। और ये अभी भैया लोग इसमें रख रहे हैं ताकि इसे कबाब कर सके। तब इस कबाब को कबाब की जगह में रख रहे हैं, कबाब को कबाब करेंगे, कबाब को पकाएंगे और वो कबाब तंदूर कबाब बन जाएगा। पानी पानी बन गया, पानी हाँ, मोटर बन गया। तो गाइज अभी एक इंसिडेंट हो गया है, हम लोग का टंकी भर चुका है और वहाँ से पानी गिर रहा है। और ये है काकी, ये शेफ राजीव की माताश्री है जो कि अपने बेटे का काम देखने आ रही है। कोले कुन कुन बनाया रे? ये आपके पुत्र ने बनाया है, ये मेरो। और ये दो आपके भांजे ने बनाया है। तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है कि किसका कबाब ज्यादा अच्छा है। तो आपका क्या कहना है, कौन जीतेगा? आपने तो टेस्ट किया ना वाइट वाला और वो वाला, आपको ज्यादा कौन सा पसंद आया? नहीं नहीं, ऐसा तो बोलने से नहीं होगा, आपको आपको कहना होगा आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया। अच्छा ओके, तो इनका तो आपको रिव्यू मिल चुका है। अब हम चलते हैं घर वालों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि रिव्यू कैसा देंगे वो इस कबाब को। ओके गाइस चलिए। तो गाइस ये मैंने अभी भी टेस्ट किया है, इधर मैं रख के जा रही हूं सोमवार का, उधर पकड़ो। अरे बहुत टेस्टी है भाऊजू, कैसा लगा आपको? लवली, आई लव इट। तो ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, बस ये लास्ट बचा हुआ है। और अब मैं टेस्ट करूंगा हाँ, जो मास्टर शेफ ने बनाया व्हाइट वाला। ये देखो ये व्हाइट वाला मलाई का मलाई टिक्का बड़ा तो पीस में छोटा सा पीस। अच्छा है पर मेरा ऐसा नहीं है, मेरा वाला इससे बेटर है। एक और करता हूँ, समझ में नहीं आया। अच्छा लग के इसलिए और एक तो खा रहे। नहीं मस्त है, अच्छा है। कोला हाल दे, कोला सानू हाल दे सर। अब सीधा कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये कबाब है इधर, और ये बिल्ली देख, बिल्ली बैठे इधर, चश्मे वाली बिल्ली बैठी इधर। बोला ये हमारा देसी जुगाड़, इसी बना से हमारे होटल में बने। और हो गया हमारा कंप्लीट, ये लास्ट वाला व्हाइट वाला चेक करो, व्हाइट वाला चेक करो सेफ का। अब ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए हमें भी, बहुत चेक करेगी। मलाई मलाई का कैसा? ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, कैसा है? जैसा नहीं, something is missing, otherwise it's okay. उसके वो अकॉर्डिंग तो फिर बाद में स्पाइसी वाला नहीं है। दोनों तो स्पाइसी बनाएंगे कि स्पाइसी बनाएंगे? हाँ तो पेपर नहीं हो, मलाई है ना, मलाई में स्पाइसी नहीं होता। मलाई क्रीमी, नमक कम है क्या? हेलो सेफ, क्या बोलना चाहिए? नमक कम नहीं, नमक ठीक ही है। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, कस्टमर का कस्टमर कंप्लेन है। नमक ठीक है बोले, क्रीमी है तो नमक कम ही रहेगा ना भाई। ये क्या लॉजिक है? क्रीमी स्वीटनेस ज्यादा लगेगा हल्का, इसमें नहीं जा सकती ना, बिकॉज़ ये एक्सक्यूज नहीं है ऐसे, यहाँ जनता जवाब चाहती है। बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई। अच्छा कौन सा हुआ, पूरा घर से पूछने पड़ेगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, लास्ट रिव्यू मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं हाल। अच्छा हाँ, अभी दीदी चेक करेगी ये। पहले बना हाँ
ऑनेस्ट रिव्यू है के काम छ अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है यो स्पाइसी छ ना लेकिन पहले भन दे जैसे सर जो पहला बन तसे भन्नु आउँदैन हां यो स्पाइसी छ ना लेकिन ठीक छ अब अर्को अर्को चेक गर्नु पर्छ हर्षी त कुन चाहिँ राम्रो छ व्हाइट वाला जातो है व्हाइट और रेड वाला सेकंड और थर्ड ग्रीन पहिले हाथ ना लगाइ सर येलो वाला अलग था ऑनेस्ट रिव्यू छिटो ये सोच दे कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये अलग मेरे को उसमें ना थोड़ा नमक कम है कि समथिंग इज नॉट ये व्हाइट वाला देख व्हाइट वाला आई लव इट है ये चाइना इसमें से अंडा है रेड वाला इसके ऊपर डिपेंड करता है रेड वाला मुंडे वाला मे बी ये थोड़ा सा स्मोकी होगा तो ये गरम और थोड़ा अच्छा लगेगा कौन से कौन से रेड वाला ये रेड वाला अरे तीन वाला में कौन से रेड वाला हां हां व्हाइट वाला लास्ट में तीन का फिर कितना कितना बनाने की बात हुआ था दो बनाने की बात हुआ था तो ऐसा नहीं होता एडवांटेज मेरे पास है Happy birthday, happy birthday. मेरो टर्न दादा दादा अरे खाने सक्सेस के ठीक छ तब दादा मैंने देखो छे न त्यो वाला त्यो वाला ब्रेड वाला कबाब चल रहा है जो जो केक खान जाते पहले मां खाते पहले कलर करेगा चालू छोड़ दे बाबा ना मेरे मां बड़ा ले एक बड़ा काटरा दो ना एक बड़ा काटरा दिया अपना पूरी में मालो ऐसे ऐसे लगाओ मालो मालो दीदी दादा प्लीज ऐसे ऐसे लगाओ तब कोई गुस्सा नहीं आ रहे पूरा मालता रख दिया अरे थोड़ा रख दिया ना भाई अब दिया ना हां चला ले लो के बाद कहीं नहीं फाइनली केक काटना हो गया हमारा फिर बोला चुमा हैप्पी बर्थडे टू यू आई थिंक 7-8 साल बाद कति कति बाद 8 कति 7-8 साल बाद केक काटा त्यो भयो आज बोला केक कसको तर्व थियो त्यो त थैंक यू काका काकी बर्थडे को लागि मुखमा जुमा मन लागिरहेको छ तो आँखों मारते पहले।
तो क्या बर्थडे अभी ऐसा अब करेंगे डिनर पूरा चिक-चिक में तो काफी टाइम बाद बर्थडे केक आई थिंक बहुत सालों आखिरी बार कब काटा था कोई याद नहीं बस सबने बर्थडे मना दिया सरप्राइज बहुत पता ही नहीं था कि केक ला के रखे इन्होंने और सब साथ में डिनर करने बैठेंगे और बहुत अच्छा लगता है कब काटा था याद नहीं सच में याद नहीं कब आखिरी बार केक काटा था तो सबको थैंक यू बोला मैंने इसलिए सबने बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया तो अब ये गाना तो अब डिनर करने बैठते तो मेरा खाना चालू हो गया तेरे क्या होती है माया लग दो बस खाते थे हाँ जरा जगह देना बस ने निकालना नेक्स्ट डे सेम ब्लॉग और कल रात को पार्टी करने के बाद सब थक गए तब सब सो गए तो अब सब जाएंगे अब अपने मेरे घर और मुझे जाना है मम्मी को लेके हॉस्पिटल क्योंकि उनको आँखों का चेकअप कराना है तो अभी चलते हैं सीधा है ना तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे कब का डेट मिलता है ऑपरेशन का सब निकले काका काके सब साथ में तो अब बाद में सबको थोड़ी देर बाद अपडेट दूंगा बाय बाय पहुँच गए हम हॉस्पिटल और ये वो हॉस्पिटल तो अभी अंदर चलते हैं देखते हैं कितना टाइम लगता है जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जल्दी तो होगा नहीं लगता फिर भी टाइम कितना लगता है वो भी पता नहीं है तो भी चलते जल्दी से काम ख़त्म करते हैं पहले बस गार्डन है ये वाला है ना तो इसी बिल्डिंग में होगा मम्मी का चेकअप तो अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है तो इसके लिए कोई एक बंदा साथ में जा सकता तो मैंने मम्मी को भेज दिया मासी के साथ में और मैं वेट करता हूँ यहाँ पे और अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है तो अंदर तो वीडियो बना नहीं सकते है ना तो अभी वेट कर लेते हैं पता नहीं कितना टाइम लगेगा उनको है ना तो अभी निकलने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे और मुझे लगा भूख और मैं कुछ खाने जा रहा हूँ क्योंकि सुबह सिर्फ दो रोटी और सब्जी खा के आया था जल्दी जल्दी में है ना तो अब जल्दी से जाएंगे कुछ खाएंगे फिर आते हैं फिर मम्मी लोग को लेने के लिए सो स्टिल मम्मी का वेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के ऊपर हो गया अभी और मम्मी लोग अभी भी अंदर ही है ना तो शायद उनको और टाइम लगेगा आने में और यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं लेक में आपको मच्छी दिखाता हूँ मैं लेक में काफ़ी बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं एक एक मच्छी 14-15 किलो की देखो कितनी बड़ी बड़ी मच्छी है तो अब देखते हैं कुछ अगर खाने को मिलता है तो छोटा मोटा सामान खाएंगे क्योंकि आफ्टरनून में अच्छा खाना ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है तो हल्का फुल्का भी खाते हैं फिर मम्मी आने के बाद कहीं चलेंगे खाना खाने या फिर देखते अगर टाइम नहीं हो तो फिर घर जाके लंच करेंगे देखते कुछ मिलता है या फिर नहीं चलो अब चलते हैं आगे सो फाइनली अभी गेस्ट घर पे आया बहुत ज़्यादा थक गया पूरा टायर्ड हो गया पूरा कुछ नहीं खाया अभी सुबह 9 बजे निकला था अभी बज गया 5:30 ये देखो 5:30 बज गए हैं तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा लो मम्मी होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगे मुझे तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि केक काटने को मिला ना कितने सालों बाद तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी तब तक के लिए